जाओ मैं उसे ढूंढने और ख्वाब सामने मिल जाए, कुछ ऐसा हो कि खोलूं अंतर की आंखें और सामने मुझे गांधी मिल जाए। हाँ, अगर मुझे गांधी मिले तो अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पे रख के बोलते, बेटा हिंद कैसा है, अंतर अतीत की गर्ता में डूब जाए और भीतर से आवाज आए, सत्य सदाचार और अहिंसा के परम उपासक मोहनदास करमचंद गांधी यहां कैसे। भीतर में फिर से आवाज आए और बापू बोले, मां भारत के बच्चों की खबर लेने आया हूं, जीवन भर सत्य और अहिंसा का आचरण किया, उसकी यह फलश्रुति है कि फिर एक बार यहां आने का अवसर मिला। फिर वो मेरे हाथ में पुराना हो चुका तीन बंदर का खिलौना देख के पूछते, बेटा हिंद अभी भी बच्चा ही रहा, अभी भी खिलौने से खेल रहा है, पर बापू वो मेरा प्रिय खिलौना है। सुन के थोड़ी देर खुश हो जाते, चश्मों की तो नीलामी हो गई पर आदत, इसलिए खाली नाक पे पहली उंगली टिका के बोलते, मेरा भी एक प्रिय खिलौना है, चाहे वो देखता नहीं सुनता नहीं बोलता नहीं। और तभी खिलौना बीच में ही बोल पड़े, आप तो चले गए बोल के हे राम, पर जैसे ही खत्म हुआ आपका जीवन, पता नहीं कहां गया आपका संदेश, गुलाम मानस अनैतिकता विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण की जड़ें इतनी तो गहरी उतर चुकी है पिछले 70 सालों में कि सत्य अहिंसा और स्वदेश प्रेम के लिए तो आपको फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। मां भारत की अद्वितीय संस्कृति और अनुपम प्रकृति की लहराती कसुम बलचूनर को आपके ही कुछ बच्चों ने सत्ता और स्वार्थ की झाड़ियों में फंसा कर चिंथड़े हाल कर दिया है। बापू मां भारत की ये अवदशा हुई आपके जाने के बाद। मेरे प्रिय खिलौने और बापू के बीच का संवाद सुन के शायद मुझे दुष्यंत कुमार समझ में आ जाए और बापू की ओर से कहने का मन हो कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हर गली हर सड़क हर शहर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और फिर कहूं बापू आपकी शक्ति तो है, जो पुराना है उसे जमीन दोस्त कर दीजिए, नया जमीन पर से खड़ा कीजिए, वर्तमान परिस्थिति में भी आपकी विचार शैली और कार्य शक्ति यथार्थ है, फर्क सिर्फ चंद लोगों का है जो पहले गैर थे आज आपके अपने हैं। समाज के नैतिक पुनरुत्थान और आजाद राष्ट्र की आबादी के लिए फिर से उन्हीं नैतिक मूल्यों की जरूरत है जो आपने एक सदी पहले दिए थे और आज किसी कोने में मृतप्राय परिस्थिति में सिसक रहे हैं। पर ऐसे में बापू मुझे ज्यादा नहीं बोलने देते, बस इतना ही कहते कि जब घनघोर अंधेरा छाए, जब डर के आगे लोग सर अपना झुकाए, जब घनघोर अंधेरा छाए, जब डर के आगे लोग सर अपना झुकाए, तब दिया बन अकेला जल, अगर तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता तू अकेला चल, अकेला चल, अकेला चल, अगर तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता तू अकेला 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 चल। जय हिंद।